सबसे अच्छा चीज़ क्या है पता है? मेरे देश का तिरंगा। यहाँ पे सबसे अच्छा चीज़ जो है मेरे को यही लगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो इसका नाम है ड्रैगन टेंपल, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ बैंकॉक के कुछ इंस्टाग्राम स्पॉट पे इंस्टाग्राम टूरिस्ट लोकेशन पे, जो कि इंस्टाग्राम पे रील्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हुआ करता है। लोग रील्स बनाते हैं यहाँ बैंकॉक में इस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं चार ऐसे लोकेशन कवर अप करूँगा जो कि इंस्टाग्राम में ज़्यादा फेमस है या रील्स या शॉर्ट्स में ज़्यादा फेमस लोकेशंस हैं बैंकॉक के। तो मैं सबसे पहला लोकेशन पहुंच चुका हूं, ड्रैगन टेंपल। मैं थाईलैंड इतने बार भी आया हूं, इस जगह नहीं आया क्योंकि अभी टाइम ही नहीं मिला मेरे को, क्योंकि ये जो जगह है जो मेन एरिया से सिटी सेंटर से 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं इतना दूर आऊँ सिर्फ इसी को देखने के लिए। बाकी इसमें कुछ ऐसा कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन या ऐसा कुछ भी नहीं है, और एंट्री लगता है कुछ डोनेशन बोल के एंट्री लेते हैं, तो 80 बात है मतलब 170-180 रुपये के आसपास वो पड़ जाता है, और सामने आपको फूल माला वगैरह दे देते हैं और डोनेशन दे दो 20-30 बात वहाँ दे दो, मतलब 40-50 रुपये वहाँ, तो मान के चलो 200-250 रुपये में यहाँ तक इसका ट्रिप कर सकते हो। लेकिन यहाँ तक पहुँचना ईजी नहीं है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ आया हूँ तो इसलिए ईजी हो गया, और किस तरीके से पहुंचना है क्या कैसे है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले सबसे पहले ऊपर तो चला जाए, तो अभी मैं एलिवेटर नहीं लूँगा, मैं ये जो ड्रैगन का जो पेट है ना, ये पूंछ जो आप देख रहे हो, इसके थ्रू मैं गोल 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 चलते हुए जाऊँगा। अब इतने दूर आया तो थोड़ा तो मज़ा कर लेते हैं ना, तो इसके ऊपर मैं चलते हुए मतलब इसके अंदर से चलते हुए जाएंगे, और अंदर का लोकेशन कैसा है वो आपको इस वीडियो पे दिखाता हूँ। ऊपर जाना है तो एलिवेटर का यूज़ करना है तो 10 बार इस तरीके से सीढ़ी का यूज़ कर सकते हो कभी कभी ऐसा चढ़ा मज़ा आएगा। ये जो मैं अंदर चल रहा हूँ, ये जो बाहर जो ड्रैगन था ना, जो ड्रैगन क्लाउड क्राउन जो घूमा था बिल्डिंग के, ये उसी ड्रैगन के अंदर से पूरा सीढ़ी है। लाइट वगैरह लगा दिया, अच्छा है, फैन है तो उतना दिक्कत नहीं है, और सीढ़ी नहीं है बस चलना है, थोड़ा चढ़ाव है तो
उतना थकान नहीं होगा, और ये एक्सपीरियंस कर रहा था यार, एलिवेटर से तो आराम से चले जाएंगे। इतना दूर आए मन्नत मांगने, तो थोड़ा तो स्ट्रगल करना बनता है ना अपने मन्नत के लिए। जय भगवान, मन्नतें पूरी कर दे, मेरा YouTube चैनल सक्सेस कर दे, छत्तीसगढ़िया घुमक्कर 10 मिलियन सब्सक्राइबर कर दे, मज़ा आ जाएगा। ये विश पूरा हो जाएगा तो इसके बाद चलो ऊपर चढ़ के मिलते हैं। वैसे ही थक गया इस बात का, एलिवेटर ले लेना, लिफ्ट ले लेना, मत चलना पैदल, मत चढ़ना। 14th फ्लोर तक दिखा रहा है भाई, हालत ख़राब हो जाएगी। झूठ नहीं बोल रहा, देखो सामने लिखा हुआ है टू द 14th हेवन, मतलब 14th फ्लोर तक है भाई। मजाक नहीं है, मत आना भाई। तो जैसा कि मुझे पता चला कि अगर आप बैंकॉक से आते हो तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लेकिन एक ट्रांसपोर्टेशन है जो ब्लू लाइट चलता है, स्काई ट्रेन, जो कि लॉक सॉन्ग लास्ट स्टेशन तक पहुंचाता है। उसके बाद वहां से भी 24 किलोमीटर की दूरी है, तो आपको वहां से ग्रैब करके ही आना पड़ेगा। या 84 बस चलता है जो कि हाफ डिस्टेंस कवर कर देता है, जो कि लास्ट पहुँचाएगा, शायद 10 किलोमीटर रहेगा, तब भी आपको यहाँ तक आने के लिए 10 किलोमीटर बचा ही रहेगा, तो भी आपको ग्रैब करना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से लॉक सॉन्ग से कर लो ग्रैब, वो ज़्यादा बेटर है, बस वस लेने से अच्छा है, क्योंकि महंगा तो उतना ही पड़ने वाला है। और बैंकॉक सिटी सेंटर से अगर आते हो तो भाई पता नहीं भाई, 400-500, 600-700 तो आराम से लग जाएगा आना और जाना, 1500 रुपये में तो आराम से लग जाएंगे। चलो फिर आप दूसरे लोकेशन पर चलते हैं, और ड्रैगन टेम्पल का ये पहला लोकेशन ख़त्म करते हैं और चलते हैं दूसरे लोकेशन पे। और ये देखो दूर से नज़ारा ड्रैगन टेम्पल का, दूर से भाई सॉलिड लगता है, पास से मज़ा नहीं आया, लेकिन दूर से नज़ारा सही है। इसके बाद जो मैं लोकेशन दिखाने वाला हूँ ना, अभी मैं पहुँच चुका हूँ वात पहरे क्यू में, और भाई हमने जो कार है वो पार्क किया है सनम चई मेट्रो स्टेशन के पास, क्योंकि हमको पैदल पैदल घूमना था इस लोकेशन में। अभी जो मैं हूँ वात परी क्यू ऐसी कुछ लोकेशन में, वीडियो डिस्प्ले में डाल दूँगा, भूल जा रहा हूँ यार बार बार, काफ़ी सॉलिड जगह है। और भाई अगर आप इंस्टाग्राम वाले सिस्टम वाले हो भाई, रील्स वाले हो, तो ये जगह बैंकॉक में ज़रूर आना। और सनम चई जो भी है वो स्टेशन का नाम है, वीडियो डिस्प्ले पे डाल देता हूँ, आपको इजी पड़ेगा। वॉकिंग डिस्टेंस में ही है ये सब मेट्रो स्टेशन से, तो आप इजीली इस जगह पे आ सकते हैं। और क्या लोकेशन है ना, जैसे कि मैंने बोला ना थाईलैंड टेम्पल्स का हब है, तो उसमें से ये जो टेम्पल है बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर्स में बने हुए हैं और सॉलिड एरिया। अब पहला लोकेशन तो मेरे को उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन अब जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ना बैंकॉक में, बहुत सॉलिड लोकेशंस है। और जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ ना, इस लोकेशंस को तो आप मिस मत करना। पहला लोकेशन भले आप मिस कर लेना, आगे के जो लोकेशंस है वो मिस मत करना। अब मेरे पीछे का व्यू बैकग्राउंड देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो कितना सॉलिड जगह है, भले 40 डिग्री की गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे वीडियो शूट आप लोग के लिए। आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप चाहे नवंबर दिसंबर में आके यहाँ चिल कर लेना, मैं तो अभी आ गया गर्मी में, कोई नहीं, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ।
मैं ना वीडियो डिस्प्ले पे कुछ नाम डाल देता हूँ जो आसपास के एरिया में ही हैं, जो आपको यहाँ जाना चाहिए। और अगर आप फोटो शौकीन हैं थाई कॉस्ट्यूम ड्रेस तो यहाँ पर रेंट में मिल जाते हैं, मतलब 800-900 रुपए में रेंट मिलेगा। तो वो कॉस्ट्यूम पहन के थाई ट्रेडिशनल में थाई बुद्धिस्ट टेम्पल के सामने आप फ़ोटो खिंचा सकते हो। तो कुछ कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पर मैं नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस वीडियो पे। तो इन्फॉर्मेशन में मैं वीडियो डिस्प्ले पे नाम डाल देता हूँ, तो इस लोकेशन को भी आप मिस मत करना। और हो सके तो थाई ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचवाना, बहुत सही रहेगा और काफ़ी मज़ा आएगा। अब हम चले फ्लोटिंग मार्केट का एक्सप्लोर करने। सबसे आगे बैठा हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ। अकेला नहीं है, पीछे लग रहा है। चलो सही है, आपको नीचे ड्राइव करेगा। तैरने नहीं आता, पासपोर्ट साथ में रखा। जय भगवान, रक्षा करना। आप जो मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे हो, अब मैं पहुंच चुका हूं थाईलैंड का सबसे फेमस जगह इंस्टाग्राम स्पोर्ट्स, जहां पे आप इसके यहां से रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह यहां से ज़्यादा देखते हो। तो मैं यहां पहुंच चुका हूं फ्लोटिंग मार्केट बैंकॉक, और कुछ इस तरीके का नज़ारा है। वैसे यहां तक पहुंचने का रास्ता कल वैसे भी हम लोग बहुत लेट हो गए थे, दो ही लोकेशन कवर करते करते। और आज सोमवार है, छुट्टी है नहीं, और अपने पास फ्री का टाइम पड़ा हुआ था। तो और मेरे जैसे दूसरों के पास तो टाइम नहीं रहता, तो मैंने सोचा कि यार खुद ही ट्रैवल किया जाए। लेकिन खुद ट्रैवल करने के लिए भाई ये जो बैंकॉक सिटी से है 100 किलोमीटर दूरी पर है, और 100 किलोमीटर दूरी पर है, और यहाँ तक आना बहुत मचमच है।
तो मैंने क्या किया भाई, एक टूर बुक किया, टूर की स्टिकर टूर बुक किया मात्र 3,000 रुपये में, जिसमें फ्लोटिंग मार्केट इंक्लूड है और दो तीन चीज़ें इंक्लूड है। आपको वीडियो आगे वीडियो में पता चलेगा, तो आपको वीडियो फॉलो करते रहना पड़ेगा तो पता चलेगा कि क्या क्या इंक्लूड है इस टूर में। और देखा जाए तो इंस्टाग्राम स्पॉट टूर ही है इसमें इंक्लूड। म्यूज़िक है तो थोड़ा आगे बात करता हूँ। तो 3,000 वर्थ इट है यहाँ पे। और वो कैसे वर्थ इट है कि भाई यहाँ तक आना ही ना बहुत मच है। और उसके बाद आप जो ये बोटिंग देख रहे हो, इसकी प्राइस एक घंटे का 400 बाथ है, मतलब इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 900 रुपये तो ऐसे ही हो जाता है। तो 900 रुपये तो आपका यहीं पर ही वसूल हो जाएगा। और यहाँ तक आने का मान के चलो भाई 1,000 रुपये का खर्चा है। तो देखा जाए तो अगर ये ट्रिप 3,000 रुपये में मेरे को काफ़ी सस्ता ही पड़ा, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा। तो मेरे हिसाब से आपको भी अगर ये टूर करना है तो टूर पैकेजेस है जो मैं वीडियो के शुरू में जो लोकेशन दिखाया उसके टूर पैकेजेस नहीं है। और अभी जो इसके बाद जो टूर आने वाला है इसके टूर पैकेजेस है, जो मैं टेंपल था उसके भी टूर पैकेजेस रहते हैं, बट वो मुझे आइडिया नहीं है उसका कितना टूर वगैरह है। वो अलग अलग टूर पैकेजेस में इंक्लूड रहता है, तो अलग टूर पैकेज में इंक्लूड था। और अभी जो मैं फ्लोटिंग मार्केट में इसके बाद जो आगे लोकेशन जाने वाला हूँ वो सब टूर पैकेजेस इंक्लूड है मात्र 3,000 रुपये में। और जो बोटिंग राइडिंग होता है, बोट राइड होता है, आप बोटिंग से शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, बोट मतलब बोट में बैठे बैठे शॉपिंग वगैरह ये सब कर सकते हो। तो एक घंटे का राइड जो होता है वो 400 बाथ, मतलब 800-900 रुपये तो यहीं पर ही आपका वसूल है। और इस लोकेशन का आपको मैं व्यू दिखाता हूँ और आप इस लोकेशन का मज़ा लीजिए। और मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस है अगर आप थाईलैंड आते हो तो, फ्लोटिंग मार्केट थाईलैंड में बैंकॉक आते हो तो फ्लोटिंग मार्केट मत छोड़ना। वैसे थाईलैंड में बहुत सारे जगह पे फ्लोटिंग मार्केट आपको मिल जाएंगे, सिर्फ बैंकॉक में नहीं है, पटाया में भी है, फुकेत में भी है, तो आपको फ्लोटिंग मार्केट मिल जाएंगे। बट जहाँ का भी हो फ्लोटिंग मार्केट एक बार ट्रैवल ज़रूर करना। अब मैं आ चुका हूँ बैंकॉक का सबसे फेमस, सिर्फ बैंकॉक का नहीं वियतनाम में भी एक ऐसा ही जगह है जहाँ पर आप देखते हो ना कि ट्रेन मार्केट, इस जगह का नाम है ट्रेन मार्केट, जहाँ से अभी ट्रेन गुजरेगा। और आप ये जो दुकानें देख रहे हैं, जब ट्रेन गुजरने का टाइम होगा तो भाई बहुत पास से गुज़रता है, इतने ये सब दुकानें हो जाएंगी बंद। तो आप ट्रेन आने का इंतज़ार है, एक घंटा है, तो एक घंटा पहले यहाँ पर हम घूमेंगे फिरेंगे और यहाँ का माहौल का मज़ा लेंगे। पहले जैसा फ्लोटिंग मार्केट में था वही सब सुवेनियर यहाँ भी बिक रहा है, और फल फ्रूट्स वगैरह है। और एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो है ना, ड्राई फ्रूट वो आप ट्राई ज़रूर करना, कोकोनट कैशू, ड्राई पाइनएप्पल, ये कुछ फ्रूट्स हैं, मैंगो, ड्राई मैंगो, ये सब आप ट्राई करना। मैंने लाइक ट्राई किया था, बहुत सही लगा था, अगर आप लोग भी ट्राई करोगे तो सही है, मेरे को अच्छा लगा था। तो यहाँ पर वो सब फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स यहाँ मिलते हैं, आप ज़रूर ट्राई करना। एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली ये होगी कि जब भाई देख रहे हो कितने पास रखा हुआ है पटरी के, जो पास रखा हुआ है मार्केट, बसा हुआ है मतलब मार्केट, और ट्रेन कैसे आता है, उनको कैसे पता चलता है, और एक कितने जल्दी और कितने फास्ट ये अपने दुकानों को बंद करके या अपने जो सामान वगैरह को है हटाते हैं, ये चीज़ देखने वाला इंटरेस्टिंग होगा।
देख रहे हो पटरी के कितने पास है, कितने पास है ये पूरा मार्केट भाई। ये सामान कितने देर में हटेगा भाई, खतरनाक है। ये ट्रेन में सफ़र एक बार करना तो बनता है यार, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब सफ़र करूँगा तो इसके बारे में डिटेल वो वाले वीडियो पे बताऊँगा, अभी डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको कि मैं अभी किस लोकेशन में हूँ, किस एरिया में हूँ, और डिटेलिंग वीडियोस अगला वीडियो बनाएंगे इसके। अब जो है ये मार्केट हो गया ख़त्म, आप पीछे देख लीजिए पूरा मार्केट, ये पूरा जब ट्रेन आता है तो बंद होगा। और ये रहा सामने रोड, रोड में ना सिग्नल है, सिग्नल नहीं बैरिकेड है, ये बंद हो जाता है पुराने ज़माने जैसा ही है। और जो ट्रेन चलता है ये नए ज़माने का ट्रेन नहीं है, पुराना ज़माने का ही ट्रेन है, कंप्यूटराइज नहीं है, सब पुराने ज़माने का जो है, 100 साल पुराना जो है वही ट्रेन है यहाँ भी। और ये है स्टेशन, चलो ट्रेन टिकट वगैरह पता करते हैं यहाँ पे। इस ट्रेन में सफ़र करना तो बनता है, बनता है। टिकट वगैरह सब इंफॉर्मेशन मैं निकालता हूँ, स्टेशन में आ चुका हूँ। माहौल जम चुका है, अब ट्रेन आने का टाइम हो गया, 2:30 बज गया है, पूरा दुकान वगैरह क्लोज, सब फोटो कैमरा लेके खड़े हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा यार, सही है, बहुत पास से है ट्रेन, क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन है भाई, इस लोकेशन को बिल्कुल मिस मत करना, मज़ा आ गया भाई, क्या माहौल है। 2:30 बजे का टाइम है और यहाँ से अभी 3:30 को निकलेगा, 3:30 बजे तक तो नहीं रहेंगे हम, हो सके तो 3:30 बजे वाला, अगर 3:30 को अपने को निकलना है यहाँ से, पहले ही निकलना है, शायद 3:30 तक रुक जाए तो मज़ा आ जाएगा, एक और हो जाए, फिर से ये मार्केट लग गया देख लो।
भाई, लेकिन क्या मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, क्या माहौल था और क्या क्राउड है। अब सब पूरी जनता जाएगी ट्रेन के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए। अब ट्रेन जो है एक घंटा रुकेगी, 2:30 बजे यहाँ पहुँची है, 3:30 तक यहाँ रुकेगी। ये रहे हम स्टेशन में पहुँच गए भाई, लोग तो यहाँ पर ऊपर चढ़ चढ़ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सही है, तो जो इस ट्रेन की प्राइस है वो मात्र 10 बात है, मतलब 25 रुपये में आप बैंकॉक से यहाँ आ सकते हैं और 25 रुपये में वापस जा सकते हो, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। चलो अंदर से थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं ट्रेन है कैसा। यार लोगों का इतना भीड़ कारवा जमा है ना, जहाँ टाइम ही नहीं मिल रहा है, जगह ही नहीं मिल रहा है। आप तो मिला। से कुछ ऐसा है, ट्रेन बाथरूम वगैरह नहीं है भाई, फैन है, गर्मी से हालत खराब हो जाएगी। सही है, मजा आएगा अगर सफर हुआ तो। अंदर से कुछ ऐसा लुक था, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तब ज़्यादा मज़ा आएगा, अभी तो सिर्फ ऊपर से दिखा दिया। वैसे भी ऊपर से भी बहुत मज़ा आया यार, बहुत सही एक्सपीरियंस रहा।